अमरीकी भाई बहनों का शुरू किया जब उद्बोधन, धर्म सभा स्तब्ध हुई थी सुनकर उनका संबोधन। आया उस प्राचीन देश से जो संतों की है नगरी, पाया हूँ सम्मान यहाँ जो भरी हर्ष से मन गगरी। मेरा है वो धर्म जिसे सब कहते धर्मों की माता, धरा गगन में होने वाली हर हलचल की वो ज्ञाता। करता हूँ नत शीश सभी को तृप्त हृदय स्वीकार करें, हिंद क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ मैं, मेरा सब आभार धरें। यह पंक्तियाँ समर्पित हैं स्वामी विवेकानंद को, जब उन्होंने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया। उन्होंने मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की और उनका भाषण समाप्त होने के बाद आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का सभागार 2 मिनट तक तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गूंजता रहा। 12 जनवरी सन 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद का झुकाव अध्यात्म की ओर अधिक था, वह अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण से अधिक प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकार आईएएस परिवार आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।